हाँ जी दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। दोस्तों हिट द लाइक बटन, जिन्होंने आज प्रॉफिट कमाया। मैंने आपको पेपर ट्रेड के लिए एक निफ्टी की कॉल स्टडी दी थी, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। दोस्तों ऐसा रोज स्टडी लेने के लिए आप प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, और यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों इतना अच्छा आज मतलब सुबह सुबह प्रॉफिट रहा। ज़्यादातर आपने देखा होगा हमारी ट्रेड पे सुबह सुबह प्रॉफिट आ जाता है 10-11 बजे के बाद। और दोस्तों माना भी यही किया कि मूव 10-11 बजे से पहले पहले ही आता है, उसके बाद मूव आता नहीं है, फिर मतलब धीरे धीरे बढ़ती है और टाइम लेके ज़्यादा लगता है। और दोस्तों कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, 21 तारीख बुधवार को कल क्लोजिंग है। अब हम डिस्कस करेंगे कल सपोर्ट कहाँ है, रजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ से मार्केट जा सकती है, किस साइड हो सकती है, सब आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो एंड तक देखना, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर कर देना, ताकि जो मेरी हेल्प हो रही है। दोस्तों थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मार्केट 50,803 पर बैंक निफ्टी बंद हुई है और 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। दोस्तों ये आपको दिख रही होगी, ये एक लीच कैंडल है, वैसे तो मार्केट यहाँ बंद हुई है 50,800। अब कल मार्केट कहाँ जाएगी, देखो दोस्तों कल वाली वीडियो आपको याद होगी, कल मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट ऊपर निकले तब हम कॉल साइड जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी सारी। तो हमने वही किया, जब मार्केट थोड़ा ऊपर गई, मैंने निफ्टी में बैंक निफ्टी में काम करना सही नहीं समझा, निफ्टी में जरूर हमने स्टडी दी जिसमें हमें काफ़ी अच्छा पॉइंट मिला, वो मैं निफ्टी पे जब बात करूँगा दिखाऊँगा। अब कल क्या हो सकती है दोस्तों, 51,000 अब ये एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन चार्ट में भी दिखाऊँगा आपको 51,000, क्योंकि फ्लैट लेवल है। तो यहाँ दोस्तों मार्केट यहाँ तक आके मतलब आ सकती है, यहाँ तक मतलब रुक सकती है। तो आपने क्या करना, अगर मार्केट फ्लैट हो, फ्लैट होने के बाद सॉरी मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद रीटेस्ट करे ऊपर निकले, अगर तो 51,000 से नीचे ही मतलब रीटेस्ट करके निकले, तब हम क्या करेंगे, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए, एक 5 मिनट की कैंडल ही चाहे क्लोज दे दे 51,000 के ऊपर, 51,020 के ऊपर, तब हम क्या करेंगे कॉल साइड चलेंगे। पहला हमारा ये 200 का ही टारगेट होगा, सिर्फ 200 पॉइंट का। उसके बाद दोस्तों अगर इससे भी ऊपर निकल दिए, फिर हम 51,550 तक के दूसरे टारगेट लिए हम करेंगे, फिर थोड़ा सा बड़ा प्लान करेंगे। इस जगह पे आके आप क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हो, ये 200 है जो बड़े कम दिखते हैं, ये जल्दी से होंगे तो स्टॉप लॉस जल्दी से कर लेना, क्योंकि इस 51,200 के ऊपर जाके मार्केट रिवर्सल भी हो सकती है, वापस भी आ सकती है, इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो जो रिस्की ट्रेड रहे वो अगर रिटेस्ट नीचे ही बन जाए, जैसे ही दिन का हाई ब्रेक हो तब एंट्री कर लेना, और फिर इसके 51,000 ऊपर निकलती एकदम बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ कल हो सकती है अगर कॉल साइड मार्केट ऊपर निकल गया। दोस्तों कल की तरह अगर पुट साइड की बात करूँ, कोई न्यूज़ ना आ जाए या मार्केट में कोई भी ऐसी कुछ चीज़ ना हो जाए, तो पुट साइड का भी कुछ भी बनता नहीं है। तो एक दिन नेगेटिव क्लोजिंग होनी चाहिए तभी पुट साइड आएगा। फिर भी डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट फ्लैट हो, 51,800 के ऊपर हो, रिटेस्ट करे तो गैप डाउन मतलब दिन का लो ब्रेक करें, तब ही हम करेंगे पुट साइड एंट्री करेंगे। और ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है दोस्तों, इसके नीचे निकलनी चाहिए, ये भी चीज़ ध्यान रखना, इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 200 दिन की मूविंग एवरेज, और दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा 50,280 तक का, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हो जाएगा पुट साइड, अगर मार्केट दोबारे बताता हूँ मार्केट फ्लैट ओपन हो, रिटेस्ट करे, ये मूविंग एवरेज, और 50,700 के मतलब 20 के नीचे जब क्लोजिंग है तभी हम एंट्री करेंगे पुट साइड के, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 200 दिन की 50,060-70 के तक के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए पहला टारगेट। इसके नीचे निकले फिर हम 200-250 पॉइंट और टारगेट के लिए हम 50,280-300 तक के टारगेट के लिए हम एंट्री करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये पुट सेट हो सकता है। अब दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, की ध्यान रखना, अगर तो गैप डाउन ओपन हुई इस मूविंग एवरेज के कहीं नजदीक यहाँ, और पहली ही कैंडल नेगेटिव बन गई, दूसरी उसका लो ब्रेक कर रही हो, तब दोस्तों एंट्री कर लेना पुट साइड की, फिर यहाँ ये 200 दिन के मूविंग एवरेज की तक, ठीक है, उसके बाद यहाँ तक का टारगेट। अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होगी, अगर मार्किट 50,300-400 इस किसी एरिए में ओपन होगी, जहाँ 400-500 इस किसी एरिए में होगी, और पहली ही कैंडल पॉजिटिव बन जाए तो दूसरी कैंडल उसका हाई ब्रेक कर रही हो, दोस्तों फिर गैप फिल होने तक इस जगह तक
हम एंट्री करेंगे कॉल सेल। इस जगह आकर अगर मार्केट रुके, रुकने के बाद फिर दिन का हाई ब्रेक कर रही हो, तब हमारा टारगेट 52,000 52,200, फिर हमें थोड़ा सा और बड़ा टारगेट मिल जाएगा। इस जगह पे अगर मार्केट रुकेगी तो हम स्टॉप लॉस बीच में मतलब बिल्कुल पास कर लेंगे या एग्जिट कर देंगे, दोबारे हम री एंट्री करेंगे अगर उसके ऊपर जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया, अगर मार्केट दोस्तों 50,100 200 इस किसी एरिया में ओपन होती है, अगर तो 50,200 के ऊपर ओपन होती है और पहली कैंडल पॉजिटिव बन जाए, फिर दोस्तों हमें थोड़ा सा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि कल एक चीज़ ध्यान रखना, कल है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। आमतौर पर क्लोजिंग क्या करती है, अगर पहली ही कैंडल बड़ी बन जाए या गैप अप ओपन हो जाए, फिर मार्केट क्या करती है मतलब एक बार पहले ही कैंडल बड़ा देके मूव फिर सारा दिन साइडवेज करती रहती है। अगर कल ओपन हो जाए, दिन का हाई ब्रेक हो, अच्छी तरह कंफर्मेशन होने के बाद ही एंट्री करना, नहीं तो निफ्टी में शिफ्ट हो जाना। बैंक निफ्टी में करने की जरूरत नहीं, कहीं ये ना हो साइडवेज होके टाइम डीके लगा के ऑप्शन सेलर को बेनिफिट दे। ठीक है ना, ऑप्शन सेलर को बेनिफिट दे। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी, अगर बड़ा गैप हो, पहले ही नेगेटिव हो जाए, दूसरी लो ब्रेक कर लियो, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड आएंगे गैप फिल होने तक, इस जगह पे आएंगे। फिर यहाँ आके जा तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी या इसके बाद दोबारा रिकवरी देखे वापस उस जगह पे आ जाएगी। अब काफ़ी क्लोजिंग देखी है कि क्लोजिंग के दिन बड़ा मूव नहीं आया, ये कल बड़ा मूव आ सकता है दोस्तों, ये भी चीज़ हो सकती है, इस चीज़ पे ध्यान रखना। ठीक है ना, बाकी हम दिन में लाइव मार्केट में अगर कोई चीज़ रहती होगी तो मैं आपके साथ पोस्ट शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों निफ्टी से पहले मैं आपको अपना प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल दिखा रहा हूँ, जिसके ऊपर मैंने आज सुबह 9:43 पे आपके साथ स्टडी स्टेट शेयर की थी, 24,100 कॉल, 135-137 बाय रेट बोला था और 175-190 बोला था। और दोस्तों अगर आपने देखा हो इस पे मतलब पेपर ट्रेड स्टडी थी, रियल में तो इसमें ट्रेड करने को मैं किसी को बोलता नहीं, पर यहाँ 200 का टारगेट मैंने अपडेट नहीं किया, 200 का टारगेट लग चुका था। तकरीबन 135-200 अगर लगाऊं तो 65 पॉइंट बनते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं निफ्टी में, तो काफ़ी अच्छा हमारा मतलब इसमें फंड की इंक्रीज होती है। तो दोस्तों ऐसा रोज हमारा मतलब मैं आपके साथ स्टडी शेयर करता हूं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आप किसी का फायदा करना चाहते हो, किसी का प्रॉफिट कराना चाहते हो, तब भी उसको ये वीडियो शेयर करो और उसको प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए बोलो। अब दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी की, 24,698 यानी कि 700 पे बंद हुई है। ठीक है, इस जगह पर ये ग्लीस कैंडल है इस बैंक निफ्टी की तरह, और 15 मिनट का चार्ट है। दोस्तों निफ्टी में आज की तरह देखो, जैसे ही गैप अप ओपन हुई, पहली कैंडल थोड़ी नीचे आई, फिर उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी, ये दिन का हाई ब्रेक हुआ, मैंने आपके साथ स्टडी कर ली थी शेयर इसके बाद, तो ये हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट मिले। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई। देखो कल भी ऐसी तरह हुई थी, गैप अप ओपन हुई थी, दोनों कैंडल पॉजिटिव बनी, उसके बाद गैप अप ओपन हो गई। आज तीसरी और चौथी कैंडल थोड़ा बड़ी जाके गैप अप मतलब फ्लैट हो गई, साइड में जो मार्केट। ठीक है दोस्तों, आज क्या करना, कल अगर फ्लैट ओपन हो, रिटेस्ट करे, ऊपर निकले, रिस्की ट्रेडर 24,730-35 के ऊपर ही अपनी एंट्री कर लेना कॉल साइड की। ठीक है, तब हमारा जो ये 60 पॉइंट का टारगेट है, ये टारगेट रख लेना पहला, उसके ऊपर मार्केट निकले तब फिर हम 900 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं कल। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होती है, अगर थोड़ी सी गैप अप ओपन हो जाए, इस जगह पे हो जाए, तो 24,800 के ऊपर निकलने पे ही क्लोजिंग करना दोस्तों। अगर मान लो 750-765-770 पे ओपन होती है, तब हम क्या करेंगे, पहली कैंडल जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा, दिन का हाई ब्रेक होगा, तब हम क्या करेंगे, 24,700-800 के ऊपर निकले मार्केट, तब इसके ऊपर एक 5 मिनट की क्लोजिंग होने देना, हम क्या करेंगे कॉल साइड एंट्री करेंगे, 24,900-950 हमारा टारगेट हो जाएगा, 100-150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड एंट्री करेंगे। पुट साइड कब करेंगे दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद रिटेस्ट करे, मार्केट नीचे निकले, और ये जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है, इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। पर दोस्तों इस ये जो एरिया है, ये भी साइडवेज जोन है, तो पुट साइड मैं कहूँगा रिस्की ट्रेडर ही काम करे, सेफ ट्रेडर बिल्कुल परे रहे। रियल में पुट साइड तो 24,550 के नीचे, इस एरिया के नीचे निकले, तभी अच्छी स्टडी मतलब बन सकती है, हमें अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। उससे पहले हमें इसमें करने का कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। 200 पॉइंट नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, जहाँ क्या हो, मान लो गैप डाउन ओपन हो, पहली ही नेगेटिव बने, बिल्कुल प्रिय मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हो, पहली कैंडल नेगेटिव बने, दूसरी उसका लो ब्रेक करे, तब हम 524,550 का
दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा 24,400, पर सेफ ट्रेडर जब तक नीचे 24,540 के नीचे ना निकले तब तक एंटर नहीं करना, रिस्की ट्रेडर कर लेना कोई, ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ होगी। अब बात होगी बड़ा गैप जोन, अगर मार्केट इस जोन में कहीं ओपन हो रही है और पहली ही कैंडल उसका हाई ब्रेक कर रही हो, कॉल साइड जा रही हो, तो दोस्तों गैप फिल होने तक के लिए हम क्या करेंगे, अपना टारगेट ले लेंगे, पहला हमारा मूविंग एवरेज तक का टारगेट होगा, दूसरा हमारा गैप फिल होने के लिए। पर इस जोन में आगे ये जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये थोड़ा साइड वेन जोन है, 550 से 600 तक, ठीक है, इस चीज़ में ध्यान रखना दोस्तों, इस जगह कहीं आके मार्केट साइड वेज हो रही है, तो इससे ऊपर निकलना, स्टॉप लॉस छोटा रखना, टारगेट छोटा रखना, स्टॉप लॉस साथ में इंक्रीज कर देगा, ठीक है दोस्तों। ये थे निफ्टी के सारे लेवल, अब मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ऑप्शन चेन में अगर तो मार्केट 24,700 650 इसके नीचे निकलती, इवन के 600 के नीचे निकलती है, देखो इस पर काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई हुई है, ऑपरेटर तकरीबन ऑलमोस्ट डबल है कॉल राइटिंग पुट राइटिंग, अगर ऑपरेटर इनको ट्रैप करे 500 इसको ट्रैप करे तो मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे निकल सकती है, 150-200, क्योंकि परसों है निफ्टी की क्लोजिंग, तो ट्रैप करने के लिए इनके नीचे निकल सकती है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कॉल राइट, हाँ देखो 800 पे 163,000, इसके मुकाबले सिर्फ 33,000, 168,000, 24,900 इसके मुकाबले सिर्फ 15,000, तो ऑपरेटर इनको ट्रैप कर सकता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे आज ये देखो, आज मार्केट गैप अप भी किया, पोस्टें थोड़ी सी कटने लग गई थी, ठीक है ना, तो कल भी अगर आपने देखा होगा, कल भी ज़्यादा मतलब इधर के अपनी काटने लग गए थे अपनी पोजीशन, तो इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट हमें 24,900 25,000 या 24,800 के ऊपर मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, जहाँ इसके ऊपर निकलती है, तो हमारा कॉल साइड थोड़ा अच्छा हो सकता है। पुट साइड मैं 24,600 के नीचे निकलने के बाद ही कुछ प्लान करूँगा, वो भी 500 तक का, और ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज है, ज़्यादा मतलब ध्यान ये सब चीज़ों पर देखना पड़ेगा, कम क्वान्टिटी में काम करेंगे अगर पुट साइड करेंगे, अगर कॉल साइड बनेगा तो थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में हम काम कर सकते हैं, मार्केट हमें ये कल मूव दिखा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का, जिसकी कल क्लोजिंग है। अब बैंक निफ्टी में बात करता हूँ, 50,800 से नीचे निकले, इवन के 700 से नीचे निकले, तो देखो दोस्तों कांटे की टक्कर है कॉल राइटर और पुट राइटर, यहाँ भी तकरीबन मतलब डबल है, ये 41,000 हैं 600 पे, यहाँ 94,000 है, तो 500 के नीचे देखो एट प्लस ट्रिपल, ठीक है दोस्तों। अगर ऑपरेटर चाहे इनको ट्रैप करने के लिए तो क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगी, 600 से नीचे निकले 700 500 400 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है दोस्तों, अगर पुट राइटिंग हो रही है, पर वो चीज़ चार्ट जरूर देख लेना जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा है नीचे, ठीक है ना, तो मूविंग एवरेज भी है। अब ऊपर देखो 55,000 के ऊपर, इधर 72,000 हैं, इधर 2,28,000 हैं, बिल्कुल 3 गुना है दोस्तों कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में, तो उसके बाद सीधा ही अगर 55,400 के ऊपर कॉल राइटिंग हुई है तो दोस्तों इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर आ सकती है, ऊपर निकले तो हमें 55,200-300 का टारगेट आराम से दिखा सकती है, क्योंकि कल है क्लोजिंग दोस्तों। कल देखो क्लोजिंग में 0-0 भी होता है और 0-0 भी होता है, कल दोनों चीज़ें पॉसिबल होती हैं, आपने देखना है, आप अपनी स्टडी मैच करके सीख के चार्ट देख के दोस्तों काम करो और हमेशा प्रॉफिट में रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना।